दोस्तों YouTube अर्निंग्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है YouTube का वीडियो वॉच होना, व्यूज होना। अब व्यूज और वॉच दो तरीके से होते हैं। पहला तरीका यह है कि अगर आपके पास सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को चला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को ईमेल हो जाता है और आपके सब्सक्राइबर वहाँ पे लिंक पे जाके क्लिक करके वो वीडियो वॉच करते हैं, इम्प्रेशन होता है, ऐड आते हैं और उनका आपको पैसा मिलता है। अब अगर आपके पास जीरो व्यूज, जीरो सब्सक्राइबर होंगे, स्टार्टअप जब चैनल करेंगे तो निश्चित रूप से जीरो व्यूज और जीरो सब्सक्राइबर ही होंगे, या फिर बहुत कम व्यूज भी हैं या फिर बहुत कम सब्सक्राइबर भी हैं, तब भी आप अपना कोई भी वीडियो को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बना सकते हैं और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्च आप ला सकते हैं अगर आपके पास एक टेक्निक हो तो। इसका नाम है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। SEO कोई नया चीज़ नहीं है, आप बहुत जानते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपने इंडिया में, सिर्फ एक दो लोगों की बात नहीं बता रहा, अपने पूरे इंडिया में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर किसी को ठीक तरीके से नहीं आता है यूज़ करने। इनफैक्ट मुझे भी नहीं आता है यूज़ करने। बस हम लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ कुछ प्लगइन्स है, कुछ कुछ टूल्स है जिसकी मदद से हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर यूज करते हैं, चाहे वो ब्लॉग्स में हो, वेबसाइट में हो या फिर यूट्यूब वीडियोस में हो। तो आज हम लोग सिर्फ यूट्यूब वीडियोस की बात करेंगे, ब्लॉग और वेबसाइट की बात नहीं करेंगे। यूट्यूब वीडियोज़ में अगर आपका चैनल सर्चिंग में आता है, आप जनरली सोचिए ना, आप यूट्यूब पर कुछ सर्च करिए, हाउ टू वॉच मूवी ऑनलाइन या हाउ टू डाउनलोड ये सॉफ्टवेयर, तो आप जो है कौन सा वीडियो देखते हैं? फर्स्ट पेज में जो रैंक होता है, यानी फर्स्ट पेज में जो 20 वीडियोस जो रैंक होता है, उसी में से 2-3-4 आप देख लेते हैं जिसके थंबनेल टाइटल आपको समझ में आ जाते हैं कि हाँ ये मेरे काम का होगा, तो आप देख लेते हैं। चाहे थंबनेल टाइटल कुछ भी, अंदर का कंटेंट कुछ भी, आप वो बाद में देखते हैं, बाद में गाली लिख देते हैं, अरे क्या टाइम बर्बाद कर दिया, मेरा समय बर्बाद कर दिया, मैं तो कुछ और सोच के इस वीडियो को प्ले किया था और कुछ और निकल गया। तो ये सारे सर्च होते हैं टैग से, यानी कीवर्ड से। कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, टैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। वीडियो का थंबनेल भी इंपॉर्टेंट है अट्रैक्ट करने के लिए, वीडियो उस पर लोग हिट करते हैं, क्लिक करते हैं, लेकिन सर्च रिजल्ट में ऊपर आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टैग यानी कीवर्ड। तो कीवर्ड अगर आप अच्छा अच्छा डालेंगे तो वो सर्च रिजल्ट में ऊपर आएगा। अब सर्च रिजल्ट में जब ऊपर आ गया, तब थंबनेल लोग देखते हैं और टाइटल देखते हैं कि थंबनेल क्या लग रहा है, कि थंबनेल देखने से ये पता चल रहा है कि क्या हम जो सर्च कर रहे हैं क्या वही चीज़ ये अवेलेबल इसमें, मतलब ये चीज़ दिख रहा है, या फिर जो टाइटल लिखा हुआ है, जो उसमें जो टाइटल मेंशन होता है, क्या वही टाइटल है जो हम सर्च कर रहे हैं। अगर हाँ, तो हम लोग उस पर हिट करते हैं, प्ले करते हैं, वॉच होता है, चाहे फ़ोन में हो चाहे कंप्यूटर में, सेम टेक्निक, यही टेक्निक यूज किया जाता है। अब बात है कि आपका वीडियो ऊपर रैंकिंग में कैसे आए। आप बहुत मेहनत करते हैं, हम नहीं कहते हैं, एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ, एक दिन में मेरा पूरा निकल जाता है। एक पहले टॉपिक को समझना कि कौन सा टॉपिक है, वीडियो बनाए ताकि आजकल अच्छा होगा, आप लोग के लिए समझ में आएगा, मेरे व्यूअर्स देखना पसंद करेंगे। उसके बाद उसको स्टडी करना, पूरा नोट्स बनाना, उसका मटेरियल बनाना, उसके बाद उसको माइंड में पूरा मेकअप करना, कैसे बोलना है, प्रिपेयर करना, देन जाके हम लोग शूट करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड हो गई तो फिर उसको कंप्यूटर में डाल के एडिट करना वगैरह वगैरह सब करते हैं, तब अपलोड करते हैं, तो उसके बाद टैग डालते हैं, थंबनेल बनाते हैं, सोशल नेटवर्किंग में शेयर करते हैं, हर आधे घंटे पे व्यू चेक करते रहते हैं, सब्सक्राइबर चेक करते रहते हैं। तो इतना सारा प्रोसेस होता है, लगता है, लोग को लगता है बहुत ही आसान है, बस कैमरा उठाया, फ़ोन को रिकॉर्ड कर लिया, फिर मोबाइल हो या फिर DSLR हो या फिर पॉइंट एंड शूट कोई कैमरा से रिकॉर्ड कर लिया, बस अपलोड कर दिया। ऐसा नहीं होता, आप एक दो वीडियो कर लेंगे, मजे के लिए कर लेंगे, लेकिन आप सीरियसली इस फील्ड में आप आइएगा तो आपको पता चलेगा काफ़ी टफ होता है। मैंने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को देखा है कि 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी, अब स्टार्टिंग में तो बस जोश था, बना ली वीडियो, अब उनके पास ना टॉपिक मिल रहा है ना कुछ, बस घिसा पीटा, जो भी स्टार यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियो को चुरा लेना, उनके टॉपिक्स को उठा कर देख लेना, उसके कॉपी कर लेना, खुद से एक कंटेंट बना देना, एक वीडियो बना देना, अपलोड कर देना। आप एक चीज़ बताइए, जो वीडियो ऑलरेडी बड़े स्टार बना चुके हैं, जो यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वो वीडियो उतने अच्छे क्वालिटी, मतलब उनके साउंड की क्वालिटी बढ़िया होती है, उनकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती है, उनके कंटेंट्स अच्छे होते हैं, तो वो वीडियो ऑलरेडी लोग देख चुका है, तो आपका है या फिर हमारा, अगर हम उसे लो क्वालिटी में उससे कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो क्यों देखिएगा, सीधा सा बात है। तो यही चीज़ होता है, तो इसीलिए आप बिल्कुल एक नया टॉपिक लें, मतलब पुराना टॉपिक लेने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब टॉपिक भी कौन सा लें, यूट्यूब पे जैसे व्हाट्सएप एक टॉपिक है, तो व्हाट्सएप का जो कीवर्ड है इतना बार यूज हो चुका है, मतलब इतना लोग उसको यूज कर चुका है कि आप सिर्फ व्हाट्सएप अपना टाइटल या टैग या कीवर्ड देंगे तो उसकी रैंकिंग ही नहीं होगी। तो कौन सा कीवर्ड का कितना रैंकिंग है, इसके लिए एक टूल आता है ट्यूबबडी। तो आपको मैं अगली सेशन में, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले सेशन में ट्यूबबडी का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, विथ प्रूफ भी दूंगा
मैं आपको करके दिखाऊंगा और प्रूफ दूंगा कि आप ये कीवर्ड सर्च कीजिए YouTube में और आपका जो रैंकिंग पहला दूसरा तीसरा फिर जितना नंबर रैंकिंग उतना नंबर रैंकिंग में आपका आ जाएगा। और वो मतलब इतना इफेक्टिव ये टूल्स है, मतलब एक्सटेंशन है गूगल क्रोम का कि मैं क्या बताऊँ। हालांकि ट्यूबबडी के अलावा भी एक और एक्सटेंशन है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा आपको बताऊंगा, लेकिन ट्यूबबडी मुझे इतना बढ़िया लगता है कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं मैं उनमें सभी ट्यूबबडी को ही यूज़ करता हूं, और जिस कारण मुझे रैंकिंग मिलती है। और मेरा जो भी वीडियो आप सर्च करेंगे तो बिल्कुल आपको रैंकिंग में ही मिलेगा, फर्स्ट 20 पेज में ही आपको मिल जाएगा। हाँ, कोई कोई वीडियो ऐसे हैं जिसकी रैंकिंग नहीं मिल पाती है। अब जैसे कोई व्हाट्सअप से रिलेटेड कोई वीडियो बना दी, तो व्हाट्सअप से लाखों करोड़ों वीडियोस ऑलरेडी बने हैं, तो हम कितने भी उसमें रैंकिंग करने की कोशिश करते हैं तो नहीं कर पाते हैं। रैंकिंग मुझे मिलती है चैनल के व्यूज़ पे भी, अगर चैनल बड़ा है लार्ज सब्सक्राइबर इस पे भी आपको वीडियो की रैंकिंग डिपेंड करता है, लेकिन एक छोटा चैनल अगर है तब भी आप वो रैंकिंग यूज करते हैं तो आपके लिए वो फायदेमंद होगा। तो नेक्स्ट वीडियो ऑफ ट्यूटोरियल जो सेशन मैं स्टार्ट करूंगा कि प्रैक्टिकल सेशन में आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे वो रैंकिंग करते हैं और उसको कैसे हम लोग सर्चिंग में लाते हैं, आपको सर्च करके भी दिखाएंगे। तो प्लीज़ आप उसको वॉच जरूर कीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के नीचे ये लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ये नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, उसके बाद आप सेंड मी अलाउ नोटिफिकेशन करके सेव कर दीजिए। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको मिल जाएगा।